वेलकम डियर रॉकर्स, आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंस्पेक्टर गैजेट। मूवी की शुरुआत में जॉन ब्राउन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि हमेशा की तरह एक सपना देख रहा है। वैसे आपको बता दूं, जॉन ही वो आदमी है जो आगे चलकर इंस्पेक्टर गैजेट बनने वाला है और जॉन हमेशा से ही एक पुलिस वाला बनना चाहता है। तो सपने में जॉन बच्चों से भरी हुई एक बस को बचाने की कोशिश कर रहा है जो कि रोड पार कर रहे बच्चों से टकराने वाली है। तभी रोड पार कर रहे बच्चों के साथ एक छोटा सा डॉगी भी है और जॉन बस को रोककर बच्चों को बचा लेता है। तभी ब्रेंडा नाम की लड़की उसको किस देती है जिसको जॉन बहुत पसंद करता है। और फिर जॉन अपनी नींद से जागता है और देखता है कि उसका डॉगी ब्रेन उसको चाट रहा है। हालांकि उसकी छोटी सी भतीजी पैनी उसको दिलासा देती है और हमेशा ही जॉन का साथ देती है। जॉन भी अपनी भतीजी की वजह से पुलिस वाला बनना चाहता है ताकि वो अपनी भतीजी के छोटे छोटे दोस्तों को इम्प्रेस कर सके और ऐसा करने से स्कूल में पैनी की इज्जत और बढ़ जाएगी। अभी तो जॉन किसी प्रयोगशाला में पहरेदारी पर काम करता है। प्रयोगशाला में ब्रेंडा और उसके पापा काफी लेट तक काम करने में लगे हुए हैं। वो दोनों एक नकली टांग को अपने दिमाग से काबू करने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं। अब ब्रेंडा के पापा आर्टिमिस टांग को काबू करने के लिए दिमाग की जगह अपने दिल का इस्तेमाल करते हैं और उसका तीर बिल्कुल निशाने पे लग जाता है। अब टांग को काबू करने के बाद दोनों बाप बेटी बहुत खुश होते हैं। बाहर जाने से पहले ब्रेंडा बोलती है, टांग हमारे दिमाग से काबू नहीं हो रही है, वो हमारे दिल से हो रही है। और जब ब्रेंडा किसी काम से बाहर जा रही होती है तब जॉन सिक्योरिटी कैमरा से मिलने वाली तस्वीरों से ब्रेंडा को देख रहा होता है। वैसे हमारा जॉन ब्रेंडा का आशिक है तो उसका ऐसा करना बनता है। अब वो अपने सीनियर से पूछता है, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। फिर ब्रेंडा के बाहर जाने से पहले जॉन वहाँ पहुँच जाता है और अपना नाम वगैरह बताकर ब्रेंडा से थोड़ी बातें करने की कोशिश करता है। जॉन ब्रेंडा को बिल्कुल इम्प्रेस करने के लिए चांद सितारों की बातें करता है लेकिन ब्रेंडा तो बहुत आगे पहुंच जाती है और गैलेक्सीज वगैरह के बारे में बातें करने लगती है। और ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होता है कि जॉन तो इतनी दूर की चीजों के बारे में सोच भी नहीं पाता। तभी बातचीत के बीच में ब्रेंडा बोलती है, अरे मैं तो अपनी गाड़ी की चाबी अपने ऑफिस में भूल आई हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो जॉन को अकेला छोड़कर वापस चली जाती है। अब इस सब के दौरान सोलेक्स नाम का एक आदमी और उसके लिए बुरे काम करने वाला उसका नौकर साइक्स गाड़ी में घूम रहे होते हैं। सोलेक्स काफी लंबे समय से ब्रेंडा पर नजर रख रहा है। वो किसी दूसरी कंपनी का मालिक है और वो ब्रेंडा की खोज को चुराना चाहता है। अब अपने चमके साइक्स की मदद से सोलेक्स रिमोट से चलने वाली एक वैन को आर्टिमिस के लैब में भेज देता है। वैन बहुत ज्यादा तेजी से बिल्डिंग से टकराती है और तभी वैन से तीन रोबोट बाहर आते हैं। वो रोबोट आर्टिमिस की खोज को तो चुराते ही हैं, साथ ही साथ वो आर्टिमिस को भी जान से मार देते हैं। ये सब कुछ सोलेक्स अपनी गाड़ी में बैठे बैठे कर रहा होता है। अब जॉन लैब में आता है और देखता है कि सारी जगह तबाही मची हुई है और बेचारा आर्टिमिस भी मरा पड़ा है। ये सब देखकर जॉन ब्रेंडा से बोलता है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मैं तुम्हारे पापा की मौत का बदला लूंगा। वो अपनी छोटी सी गाड़ी में बैठता है और अब सोलेक्स की गाड़ी और वैन का पीछा करने में लगा हुआ है। तभी साइक्स देखता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो रोड पर ग्रेस छोड़ देता है। इसकी वजह से बेचारे जॉन की गाड़ी फिसल के उल्टी हो जाती है। अब आखिर में सोलेक्स एक बॉम्ब जॉन की तरफ फेंकता है जिससे पूरी गाड़ी के चीथड़े मच जाते हैं। लेकिन ऐसा करना कहीं ना कहीं सोलेक्स के लिए बेकार साबित होता है क्योंकि एक बॉलिंग बॉल हवा में उड़ जाती है और सीधा सोलेक्स के हाथ पर गिरती है जिससे उसका हाथ का कुचुमर बन जाता है। अब हम तो यही सोच रहे होंगे कि ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट के बाद जॉन कैसे जिंदा बच सकता है, लेकिन वो जिंदा बच गया है। उसकी भतीजी पैनी उसको देखने के लिए हॉस्पिटल आती है। वो अपने साथ ब्रेन को भी लाई होती है जो कि अपने मालिक को देखकर उसके ओंठ चाटने लगता है। बेचारा जॉन पूरा का पूरा प्लास्टर से ढका हुआ है और उसका इलाज चल रहा है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जल्द ही सभी के सभी लोग जॉन से मिलने के लिए आते हैं। जल्द ही वहाँ पर शहर की मेयर आती है और साथ ही साथ पुलिस चीफ क्विम्बी भी आया है। अब मेयर और पुलिस वाला ब्रेंडा और उसके पापा की बनाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जॉन पर करना चाहते हैं। अब जैसा कि ब्रेंडा की खोज के लिए सरकार पैसे दे रही थी, इसलिए ब्रेंडा बोलती है, ठीक है मैं ऐसा बिल्कुल करूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जॉन भी ऐसा करने के लिए मान जाएगा। लेकिन वो इस बारे में जॉन से कुछ पूछते नहीं है। थोड़ी देर में जॉन से बिना पूछे ही जॉन के शरीर में बदलाव किए जा रहे होते हैं। उसके शरीर में बहुत सारे तार और अलग अलग तरह की मशीन्स लगाई जा रही होती हैं और ऐसा करके वो बन जाता है इंस्पेक्टर गैजेट। इस सब के दौरान सोलेक्स ने भी कुछ बदलाव किए हैं। उसने अपने पिचक चुके हाथ को बदलकर एक मशीन वाला पंजा बना लिया है और उसने अपना एक नया नाम भी रख लिया है जो कि है क्लाउ। इसके बाद सोलेक्स अपने वैज्ञानिक को चुराया हुआ पैर दिखाता है। वो ये पता लगाना चाहता है कि ये पैर काम कैसे करता है और ऐसा पता करके वो कुछ नई चीजें बनाना चाहता है ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा सके। अब हॉस्पिटल में दिखाते हैं, जॉन अपनी लंबी नींद से जागता है जो कि अब इंस्पेक्टर गैजेट बन चुका है। जॉन को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा होता है और जैसे उसका
अंगूठा एक लाइटर में बदलता है। वो समझ लेता है कि उसके अंगूठे में आग लग गई है। इसके बाद उसको ये भी महसूस होता है कि शायद दवाइयों की वजह से उसको उल्टी फुल्टी चीजें दिखाई दे रही है। उसके शरीर से एक मिसाइल भी निकलती है जो कि सारी जगह इधर उधर घूमने में लगी हुई है, लेकिन किस्मत से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। अब जॉन पूरी तरह से इंस्पेक्टर गैजेट बन चुका है, उसका पूरा शरीर ही गैजेट से बना हुआ है। तभी उसको ब्रेंडा मिलती है जो उसको बताती है कि जॉन एक ऐसा पुलिस ऑफिसर बन गया है जिसके पूरे शरीर में बड़े बड़े गैजेट्स बनाए गए हैं और उसकी मदद से वो खतरनाक से खतरनाक लोगों को पकड़ सकता है। ब्रेंडा आगे बोलती है, जॉन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे इस नए रूप को समझाने में तुम्हारी मदद करूंगी। तभी अचानक जॉन का सर निकलकर ऊपर छत में घुस जाता है। अब इस कॉलेज के लैब में दिखाते हैं, ब्रेंडा की टेक्नोलॉजी से बनाए गए रोबोट्स को टेस्ट किया जा रहा होता है। इस कॉलेज अपने दिमाग से रोबोट को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोबोट अपनी जगह से हिलता भी नहीं। लगता है इन लोगों के पास दिल ही नहीं है। वैसे असल में तो इस कॉलेज के पास काबू करने वाली चिप ही नहीं है, जिसका नाम ब्रेंडा ने न्यूरॉन स्नाइप्स एम्पलीफायर रखा है। अब ब्रेंडा दिखाई जाती है जो कि इंस्पेक्टर गैजेट को सिखा रही है कि वो काम कैसे करता है। वो सभी चीजें सिखाने के लिए किताब निकालती है और फिर एक नई अलमीरा भी दिखाती है जिसके अंदर एक खास सूट और टोपी है। इसके बाद ब्रेंडा इंस्पेक्टर गैजेट को लेकर जांच करने के लिए पहुंच जाती है। वो इंस्पेक्टर की नई शक्तियों को देखना चाहती है। अब ब्रेंडा बोलती है, जॉन मान लो कि कोई इंसान अभी चोरी करके भाग रहा है और तुम उसको कैसे पकड़ोगे, बताओ मुझे। इसके जवाब में जॉन अपने जादुई मंत्र बोलता है, जाओ जाओ गैजेट जाओ, और ऐसा बोलकर वो ग्रीस निकालना चाहता था, लेकिन वो गलती से टूथपेस्ट बाहर निकाल देता है। टूथपेस्ट सभी जगह गिर रहा होता है और पूरी की पूरी ब्रेंडा भी टूथपेस्ट में ढक जाती है। अब शक्तियों को काबू करना सीखने के लिए उसको एक इंडियन गुरु के पास भेजा जाता है। दोनों साथ में ध्यान लगा रहे होते हैं, मंत्र पढ़ रहे होते हैं। फिर गुरु के बोलने पर इंस्पेक्टर गैजेट अपना हाथ थोड़ा आगे निकालता है, लेकिन हाथ आगे निकालने की जगह बहुत ज्यादा ही बाहर निकल जाता है। वो हाथ जोर से गुरु की टांगों के बीच टकराता है और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा होता है। इसके दौरान वो बाबा अपनी जरूरी चीजों पर बर्फ से ढकी थैली लगाता है, बेचारा बाबा। इसके बाद ब्रेंडा जॉन को उसकी नई गाड़ी दिखाती है और उसने गाड़ी का नाम गैजेट मोबाइल रखा है। हमारे इंस्पेक्टर गैजेट के तो मजे ही चल रही है, उसको एक नई गाड़ी भी मिल गई। वैसे गाड़ी खुद भी चल सकती है, मतलब कि वो अपने आप सारी चीजें कर सकती है। इसके बाद इंस्पेक्टर गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे गाड़ी काबू ही नहीं होती। साथ ही साथ ये गाड़ी ताना मारने वाली बातें भी करती जा रही है। जल्दी घूमते घूमते वो जेल से भागे हुए दो कैदियों के पास पहुंच जाते हैं जो कि गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उसकी गाड़ी यानी कि गैजेट मोबाइल उसको इस बात का थोड़ा अंदाजा लग जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर गैजेट को इस बारे में कोई भनक भी नहीं लगती कि वो दोनों आदमी जो जेल से भागे हैं वो कैदी हैं। हमारे इंस्पेक्टर गैजेट यानी कि शरीफ जॉन का ध्यान इस बात पर भी नहीं गया कि दोनों आदमियों ने कैदियों वाले कपड़े पहने हुए हैं और वो गाड़ी चुराने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों कैदी झूठ बोलते हैं जिससे जॉन उनको शरीफ समझता है और अपने हाथ से निकलने वाली मास्टर की से उनकी मदद करता है। अब जॉन की गाड़ी यानी कि गैजेट मोबाइल ये सब देखकर थोड़ा निराश हो जाती है, लेकिन चीजों को जल्दी से वो काबू भी कर लेती है। वो पुलिस वाला सायरन गाड़ी के ऊपर लगा देती है जिससे दोनों कैदी अलग अलग भागने लगते हैं। एक चोर के पीछे गैजेट मोबाइल जाती है और दूसरे के पीछे अपना इंस्पेक्टर गैजेट जाता है और फिर जल्दी दोनों चोरों को पकड़ ले जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर गैजेट की काफी तारीफ होती है, पूरे शहर में उसकी वाह वाह मची हुई है। अब जॉन को एक असली पुलिस वाला बना दिया गया है। हमारा इंस्पेक्टर गैजेट पहला पुलिस ऑफिसर है जो कि असल में रोबोट है, और माना जा रहा है कि अगर ब्रेंडा अपने खोज को चालू रखेगी तो आगे के समय में ऐसे बहुत सारे रोबोट्स पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। यह इस कॉलेक्स को इंस्पेक्टर गैजेट के बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो इनकी होने वाली पार्टी को अब खराब करना चाहता है। अब रात को उसकी पार्टी के लिए जॉन को उसकी भतीजी तैयार करती है। तभी पैनी का ध्यान इस बात पर जाता है कि जॉन ब्रेंडा को पसंद करता है और वो इस बारे में जॉन से पूछ लेती है, जिसके जवाब में जॉन बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे ब्रेंडा पसंद है। अब पैनी जॉन को बोलती है, आपको ब्रेंडा के सामने बिल्कुल वैसे ही बन के रहना है जैसे आप असल में हो। अब पार्टी के दौरान ब्रेंडा आती है और इंस्पेक्टर गैजेट से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। दोनों मिलकर अच्छा डांस करते हैं, लेकिन जल्दी वहाँ पर स्कॉलेक्स आ जाता है और ब्रेंडा के साथ डांस करने के लिए पूछता है। अब स्कॉलेक्स ब्रेंडा को बोलता है, तुम्हें पता है मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके आया हूँ। और ये बात सुनकर ब्रेंडा बड़ी खुश होती है क्योंकि ब्रेंडा भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। इन दोनों की बातचीत सुनने के लिए इंस्पेक्टर गैजेट अपना अलग होने वाला कान ब्रेंडा के पास में चिपका देता है, लेकिन ऐसा करना उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है। जब जॉन ब्रेंडा से वापस मिलने आता है तो वो देखता है कि ब्रेंडा कुछ ज्यादा ही खुश है। इस कॉलेज ने ब्रेंडा को अपने यहाँ एक अच्छी नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन इस नौकरी के लिए ब्रेंडा को अपनी खोज से दूर जाना पड़ेगा। हमारा इंस्पेक्टर गैजेट इस बात को लेकर बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ मेयर आती है, वो सभी पुलिस वालों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए जॉन को अपने साथ लेके जाती है। मौका देखते ही जॉन कुंबी से पूछता है, क्या आपके पास कोई ऐसा केस है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ।
लेकिन बेचारे को छोटे मोटे बच्चों वाले काम दिए जा रहे होते हैं, जैसे कि बिल्ली को बचाना वगैरह वगैरह। इसलिए वो पुलिस चीफ के पास जाता है और शिकायत करता है कि मेरा अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके जवाब में चीफ बोलता है, तुम एक असली पुलिस वाले थोड़ी ना हो, तुम्हें तो छोटे छोटे केसेस ही मिलेंगे। क्विंबी इस बात से घबराया हुआ है कि पुलिस में काम करने वाले इंसानों को हटाकर कहीं रोबोट्स को काम पर न रख दिया जाए, इसलिए क्विंबी जॉन को वहां से भेज देता है। लेकिन हमारा जॉन इतनी जल्दी हार नहीं मानता, उसने खुद ही सब कुछ ठीक करने का सोच लिया है। वो ब्रेंडा के पापा आर्टेमिस की हत्या वाली फाइल को ढूंढ लेता है। इस सब के दौरान दिखाते हैं तो स्कॉलेक्स ने अपने वैज्ञानिक की मदद से अपना ही एक अलग इंस्पेक्टर गैजेट बना दिया है, जो कि बिल्कुल असली इंस्पेक्टर गैजेट की तरह दिखता है। लेकिन ये वाला इंस्पेक्टर गैजेट लोगों की मदद करने की जगह सिर्फ गड़बड़ करने के लिए बनाया गया है। वो जाता है और पुलिस वाले एक बोर्ड पर आग लगा देता है। अब हमारा असली इंस्पेक्टर गैजेट फाइल पढ़ने के लिए एक ऐसी जगह पर जाता है जहां उसको कोई तंग ना करे। फाइल के अंदर से एक चीज मिलती है जो कि आर्टेमिस के आसपास से मिली थी और उसके ऊपर लिखा था SI। स्पेनिश में SI का मतलब होता है हाँ। लेकिन इंस्पेक्टर गैजेट को ये महसूस हो रहा होता है कि जो उसको लीड मिली है वो कहीं गलत तो नहीं है, इस SI का मतलब कुछ और ही है। अब वो पैनिक के साथ अपनी गाड़ी यानी कि गैजेट मोबाइल चला रहा होता है और तभी एक ट्रक उसके पास आकर रुक जाता है। उस ट्रक के ऊपर लिखा है स्कॉलेक्स इंडस्ट्रीज, और ये देखकर गैजेट समझ जाता है कि SI का मतलब है स्कॉलेक्स इंडस्ट्रीज। तभी गैजेट को महसूस होता है कि शायद उसकी ब्रेंडा किसी मुसीबत में हो सकती है, इसलिए वो स्कॉलेक्स की बिल्डिंग में जाता है ताकि वो ब्रेंडा को खतरे से बचा सके। वहां पहुंचकर वो बोलता है आओ आओ गैजेट बाहर आओ, और ऐसा बोलते ही उसके सर से एक बहुत बड़ा हुक निकलता है जो कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के सबसे ऊपर जाकर अटक जाता है। अब वो ऊपर एक खिड़की पर पहुंच गया है और खिड़की के दूसरी तरफ ब्रेंडा खड़ी है। गैजेट वहीं से ब्रेंडा को खतरे के बारे में सब कुछ बता देता है और फिर हुक की वजह से वो बिल्डिंग के सबसे ऊपर खींच लिया जाता है। फिर वो हवा वाली एक बड़ी सी पाइप में से गिरता है और बिल्डिंग के अंदर उसको चुराया हुआ पैर दिखता है। गैजेट उस टांग को सबूत के तौर पर अपने साथ लेके जाना चाहता है, लेकिन अचानक ही अलार्म बज जाता है और वो पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ ब्रेंडा को अपने जैसे दिखने वाली एक रोबोट मिलती है जिसको स्कॉलेक्स ने बनाया है, और अब जो रोबोट ब्रेंडा है वो असली ब्रेंडा को उस चुराई हुई टांग के बारे में सब कुछ बता देती है। ये बात सुनकर असली वाली ब्रेंडा बहुत गुस्सा हो जाती है। उसी बिल्डिंग में स्कॉलेक्स टीवी में सब कुछ देखकर मजे ले रहा होता है कि उनका बनाया नकल इंस्पेक्टर गैजेट शहर में तबाही मचा रहा है। अब असली इंस्पेक्टर गैजेट को दिखाया जाता है जिसको बेड पर बांध कर रखा गया है। स्कॉलेक्स ने उसके शरीर को खोल रखा है और बोलता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें लोग पसंद करें, अगर लोग तुम्हें पसंद करेंगे तो और ज्यादा गैजेट इंस्पेक्टर आएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार मेरे रोबोट्स को फौज में भर्ती कराए ताकि मुझे और ज्यादा रोबोट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिले और मैं अमीर हो जाऊँ। इसलिए स्कॉलेक्स इंस्पेक्टर गैजेट को हमेशा के लिए बंद करना चाहता है। वो मेन चिप बाहर निकाल कर अपने पंजे से तोड़ देता है और ऐसा होते ही इंस्पेक्टर गैजेट बंद हो जाता है। अब स्कॉलेक्स बोलता है, जल्दी इस पागल इंस्पेक्टर को कचरे में फेंक दो। यहाँ ब्रेंडा इंस्पेक्टर गैजेट की तलाश में लगी हुई है, लेकिन किसी को नहीं पता कि इंस्पेक्टर गैजेट कहाँ पर है। लेकिन गैजेट मोबाइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे इंस्पेक्टर का पता लगाया जा सकता है, इसलिए उसका इस्तेमाल करके ब्रेंडा इंस्पेक्टर का पता लगा ही लेती है। अब जैसा कि स्कॉलेक्स ने इंस्पेक्टर गैजेट को कचरे के ढेर में गिरवा दिया है, इसीलिए गैजेट मोबाइल ब्रेंडा को लेकर वहीं पहुंच जाती है। दूसरी तरफ नकली इंस्पेक्टर गैजेट ने शहर में तबाही मचाई हुई है जिसकी वजह से सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहे होते हैं। अब पैनी को कचरे के ढेर में पड़ा इंस्पेक्टर गैजेट दिखता है। पैनी और ब्रेंडा बेचारे गैजेट की हालत देखकर बहुत दुखी होती हैं और दोनों रो भी रही होती हैं। जाने से पहले जैसे ही ब्रेंडा इंस्पेक्टर को किस देती है तभी एक चमत्कार हो जाता है। अचानक ही गैजेट के अंदर की चीजें चलने लगती है और देखने से तो लग रहा है कि उसको चलने के लिए किसी चिप की जरूरत है ही नहीं, उसको तो सिर्फ अपने दिल की जरूरत है। अब वो लोग स्कॉलेक्स और उसके नकली इंस्पेक्टर गैजेट को रोकने के लिए निकल जाते हैं। गैजेट मोबाइल भी एक रॉकेट वाली गाड़ी बन जाती है और जल्दी से वो स्कॉलेक्स की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ नकली इंस्पेक्टर स्कॉलेक्स से अलग हो जाता है और तभी नकली और असली इंस्पेक्टर के बीच घमासान होता है। दोनों एक पीले पुल के ऊपर लड़ाई करने में लगे हुए हैं। लग तो यही रहा था कि दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होगी, लेकिन दोनों के गैजेट इस तरह के हैं कि कोई खतरनाक लड़ाई देखने को मिलती नहीं, उसकी जगह दोनों की लड़ाई काफी मजाक लग रही होती है। दूसरी तरफ गैजेट मोबाइल स्कॉलेक्स की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। दोनों कार रोड पर एक दूसरे को टक्कर मार रही होती है। इस सब के दौरान दोनों गाड़ियों की खतरनाक टक्कर होती है जिससे गैजेट मोबाइल के बुरे हाल हो जाते हैं। अब स्कॉलेक्स ब्रेंडा को गाड़ी से बाहर निकालता है और अपने साथ ले जाने लगता है। गैजेट मोबाइल जल्दी से इंस्पेक्टर गैजेट को कॉल करती है और जो कुछ हुआ होता है उस बारे में सब कुछ बता देती है। पैनी भी अंदर आती है और अपनी जासूसी करना शुरू कर देती है। उसको साइक्स मिलता है जो कि सबूत को खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो चुराई हुई टांग को टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश करता है। पैनी उसके बचपन की बातें कर साइक्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है जिससे साइक्स भावुक हो जाता है। अब स्कॉलेक्स को दिखाया जाता है जो कि हेलीकॉप्टर की मदद से भागने की कोशिश कर रहा है।
उसने ब्रेंडा को अभी भी अपना बंदी बनाया हुआ है। लेकिन हेलीकॉप्टर के उड़ने से पहले इंस्पेक्टर गैजेट वहां पर पहुंच जाता है। उसके सर पर पंख निकले हुए हैं जिनकी मदद से वो ऊपर तक पहुंच गया है। और फिर असली वाले इंस्पेक्टर ने नकली इंस्पेक्टर का सर अलग करके पानी में फेंक दिया है। अब इंस्पेक्टर गैजेट के सामने एक चुनौती है, अपनी ब्रेंडा को बचाना। वो एक पिन फेंक कर ब्रेंडा की लगी हथकड़ियां तोड़ देता है। जल्दी मौका मिलते ही ब्रेंडा इंस्पेक्टर की पीठ पर चढ़ जाती है, जो कि बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर पर टंगा हुआ है। स्कॉलेक्स हेलीकॉप्टर चलाने में लगा हुआ है और उसी की वजह से इंस्पेक्टर और ब्रेंडा नीचे गिरने लगते हैं। अब जैसा कि वो दोनों तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं, तो इसीलिए इंस्पेक्टर अपने सभी गैजेट्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है जिनसे वो नीचे गिरने से बच जाए। आखिर में एक छतरी उसके सर से निकलती है और दोनों बड़े आराम से लैंडिंग करते हैं। स्कॉलेक्स भी उनके पीछे पीछे आता है और वो सीधा गैजेट मोबाइल के अंदर उतरता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जैसे सभी चीजों का इल्जाम इंस्पेक्टर गैजेट पर लगने वाला होता है, तभी साइक्स आता है और बताता है कि ये सब जो हुआ उसके पीछे स्कॉलेक्स का हाथ था। देखने से तो लग रहा है कि पैनी बड़े होकर एक खतरनाक जासूस बनने वाली है। बाद में उसी रात इंस्पेक्टर अपने सपनों की रानी को किस करता है और आसपास बम पटाखे फट रहे होते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों जाने से पहले आपको एक ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें एक औरत एक कैमरे के रिवाइंड बटन से पूरे टाइम को ही पीछे कर देती है और कैसे वो कई बार अपने बेटे की जान बचाती है लेकिन फिर भी होने को कोई नहीं डाल सकता। ये सब कुछ देखने के लिए देखिए इस मूवी में जिसका नाम है रिवाइंड बटन। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।